हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो A77 डिवाइस के अंदर आप पावर ऑफ लॉक कैसे लगाएं। दोस्तों ओप्पो A77 फोन में पावर ऑफ लॉक कैसे लगाएंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पावर ऑफ लॉक होता है कि आप अपने स्विच ऑफ सेटिंग में लॉक लगा सकते हैं। जब भी आप अपने फोन को स्विच ऑफ करेंगे तो वहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, तब जाकर जो आपका फोन है वो स्विच ऑफ होगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा सेटिंग है, इसको आप अपने फ़ोन में जरूर इनेबल करें। इससे आपका जो फ़ोन है बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या आपके फ़ोन को कोई दोस्त यार रख लेते हैं, उसको स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्विच ऑफ नहीं होगा। कोई भी आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करेगा तो वो स्विच ऑफ नहीं होगा, वहाँ पर पासवर्ड एंटर करने को आएगा। जब वो पासवर्ड एंटर करेगा तभी जाकर वहाँ पर स्विच ऑफ होगा। तो काफ़ी अच्छा सेटिंग है, इसको अपने फ़ोन में आप ज़रूर इनेबल करें। तो इस सेटिंग को कैसे आप इनेबल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम यहाँ पे अपने सेटिंग को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम अपने सेटिंग को ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको सेटिंग में देखने को मिल जाएगा, और थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सिस्टम सिक्योरिटी, तो आपको सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आ जाएंगे, और थोड़ी सी आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन है रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, उसके आगे में छोटा सा बटन है, आपको उसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, यहाँ पे बटन है उसको आपको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, पहले तो हम इसको ऑफ करेंगे तभी होगा। यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन लॉक का पासवर्ड भी एंटर करना होता है, तो जैसे इसको इनेबल करेंगे तभी आपको यहाँ पे पासवर्ड इनेबल करना होता है। जो आपके स्क्रीन लॉक का पासवर्ड है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे तब जाके ये इनेबल होगा। तो यहाँ पे हम जैसे इसको एंटर करते हैं ये इनेबल हो जाता है। अब हमारे जो स्विच ऑफ सेटिंग है उसमें लॉक लग चुका है, हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे तो वहाँ पे हमको अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर करने को आएगा, तब जाके जो हमारा फ़ोन है वो स्विच ऑफ होगा। तो आप सोच रहे होंगे हमने कोई पासवर्ड या कुछ यहाँ पे अलग से नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अलग से नहीं होता, ये सिर्फ एक परमिशन है जिसको आप इनेबल कर देंगे। इसके बाद जो आपके स्क्रीन लॉक का पासवर्ड है आपके स्विच ऑफ सेटिंग में भी काम करने लग जाएगा। जब भी आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे तो वहाँ पे आपको अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है वो एंटर करने को आ जाएगा। जब आप अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर करेंगे तुरंत जो आपका फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। चाहे वो पैटर्न लॉक हो, चाहे पिन लॉक हो, चाहे फिंगर लॉक हो, कोई भी लॉक वहाँ पर लगा होगा उसको आप एंटर करेंगे, आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा। दोस्तों अगर आपका फ़ोन लॉक है, आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे तो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। अगर आपका फ़ोन अनलॉक है, आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे तो वहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा और डायरेक्ट वहाँ पे स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में पावर ऑफ लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।